लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब भटके हुए हैं, वो अध्यात्मिकता अथवा भगवान का मतलब ही कुछ और निकाल लेते हैं। जैसे अभी कुछ लोग रिसेंटली ये कर रहे हैं कि कबीरदास जी भगवान हैं, कबीरदास जी भगवान, जबकि कबीरदास जी का फोटो लगा देते हैं, वो ऐसा करते हैं, कबीरदास जी द्रौपदी को साड़ी दे रहे हैं, द्रौपदी बज रही है और कबीर पीछे कौन खड़ा है, कबीरदास। तो ये बड़ी गलत धारणा चल गई, बहुत ही गलत धारणा चल गई कि मतलब मन में जिनको आया उसको कि भाई हम भगवान बना दें आध्यात्मिक के नाम पे, है ना। अब सोचिए कबीरदास जी कहते हैं कि अरे कबीरा कबीरा क्या करे, जाओ यमुना के तीर, क्या कहते हैं, कबीरा कबीरी कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना के तीर, जहां एक गोपी के प्रेम में, जहां एक गोपी के प्रेम में बह गए लाखों कबीर, है ना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यमुना के उस तट पे एक गोपी का दर्शन करने के लिए, एक गोपी का चरण रज लेने के लिए हमारे जैसे लाखों कबीर जो है सो बह गए। अब सोचिए वही कबीरदास जी को लोग ये बोल रहे हैं कि भाई चलो कबीरदास जी ने ऐसा बोला, अब वो द्रौपदी को साड़ी भी दे, अब वो सुदर्शन लेके अर्जुन का रथ खींच रहे हैं, मतलब कुछ भी, ये बड़ी बड़ी विचित्र धारणा है। तो ये क्या है कि यह जीवन की भयावह अवस्था है, यह भी एक बहुत बड़ी भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन से पूर्ण ज्ञान से रहित है। पूर्ण ज्ञान से क्या है, बिल्कुल रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझते और सब ये इसी कैटेगरी के लोग जो मतलब किसी को भी भगवान बना दे रहे हैं ना।